हेलो और नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के तीसरे और चौथे हफ्तों के दौरान, यानी कि उसके डायटरी एडवाइस के फेज 3 के दौरान, अगर आप कभी बाहर जाने का या फिर डाइन आउट करने का कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप कौन कौन से फूड ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के 2 हफ्तों के बाद, यानी कि उसके तीसरे और चौथे हफ्तों के दौरान, आपका डाइट लिक्विड डाइट से प्रोग्रेस होके सॉफ्ट डाइट पर आता है। तो इन 2 हफ्तों के दौरान आपको अच्छे से ब्लेंड किया हुआ खाना लेना है। इधर आपको अच्छे से मसला हुआ, यानी कि ऐसा खाना जो हम छोटे बच्चों को देते हैं, ऐसा बेबी कंसिस्टेंसी वाला डाइट आपको लेना है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के तीसरे और चौथे हफ्तों के दौरान अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो आप पहले 2 हफ्तों में लिए जाने वाले लिक्विड ऑप्शंस के अलावा आप सॉफ्ट फूड ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वेल कुक्ड दाल राइस है, वेल कुक्ड खिचड़ी है दही के साथ, कर्ड राइस है, या फिर अगर रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन फूड अवेलेबल है तो आप उसमें से इडली सांभर को चूज कर सकते हैं या फिर पोंगल ले सकते हैं। इसके अलावा हम शोरबा भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस जैसे कि उपमा, वो भी ये हफ्ते के दौरान हम ले सकते हैं। इधर हम पोरेज भी ऐड कर सकते हैं। हमारे ऑप्शंस में पोरेज जैसे कि बाजरा का पोरेज है, ज्वार का पोरेज है, रागी का पोरेज है या फिर ओट्स का पोरेज है। इसके अलावा हम रायता ले सकते हैं या फिर प्लेन कर्ड भी ये हफ्तों के दौरान ले सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के तीसरे और चौथे हफ्तों के दौरान सॉफ्ट मील ऑप्शन रेकमेंड करने के पीछे का रीज़न यही होता है कि रिसेंटली सर्जरी हुई है और इंटरनल स्टिचेस ठीक से हील नहीं हुए हैं, तो आपकी जो स्टेपल लाइन होती है उस पर कोई प्रेशर ना आए, वहाँ पे कोई लीकेज का इशू ना आए। इसीलिए हम हमारे हर एक पेशेंट्स को हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि वे जो भी डाइट ले रहे हैं तीसरे और चौथे हफ्तों के दौरान, वो अच्छे से मसला हुआ है, अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है और बेबी कंसिस्टेंसी जैसा है। तो अगर बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के तीसरे और चौथे हफ्तों के दौरान अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप मेन्यू को अच्छे से देखें और फिर उसमें जो भी प्रोटीन और वेजिटेबल्स का जो भी एक बैटर सॉफ्ट मील ऑप्शन होता है उसको आप चूज़ करें। तो अपने आहार को आराम से ले, धीरे धीरे ले और पेट भर जाने के एहसास पर रुक जाए। बेरियाट्रिक सर्जरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमें संपर्क करें।